रियलमी नार्जो एन 53, जहाँ पे काफ़ी कुछ अपग्रेडेशन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको प्राइस से कंपेरिजन करूँ इस स्पेसिफिकेशंस को, तो काफ़ी अच्छे और हालांकि सबसे अच्छे ऑप्शंस ये हैं कि जो कि मल्टीपल वेरिएंट में लॉन्च हुए हैं, ये ऑप्शनल चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे डिस्प्ले से शुरुआत करूँ, 6.74 इंच की डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का है, टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज़ का है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.3% तक का है। अक्टा कोर यूनिसोक T612 SoC पर काम कर रहा है। इस फोन में 6GB रैम है, 128GB का इनबिल्ट स्टोरेज है। ये फ़ोन 6GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट करता है। रियलमी का ये स्मार्टफोन 13 पर बेस्ड है, रियलमी UI 4.0 पर काम कर रहा है। कैमरे के सेटअप की बात करूँ तो नार्जो एन 53 में 50MP का AI कैमरा है, 8MP का फ्रंट कैमरा है और नार्जो एन 53 में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। ये बैटरी सिर्फ 30 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज करती है, मतलब कह सकते हैं 1 घंटे में फुल चार्ज कर देगी। सिक्योरिटी के लिए इसमें फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि 16.726 का सेमी है और चौड़ाई है। वजन की बात करें 182 या 85 ग्राम के आसपास में है। अब मल्टीपल वेरिएंट की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे बता दूं कि इसमें 4GB में लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हुआ है, 6GB में हुआ है और उसके बाद 8GB में हुआ है। ये आपके लिए काफ़ी किफ़ायती है। और जो इसके स्टोरेज हैं जो 4GB रैम के साथ है वो 64GB का स्टोरेज दे रखा है और जो 8000 रुपये प्राइस इसके रखे गए हैं। जो 6GB वाला है उसके साथ 128GB का स्टोरेज है, वो लगभग 9500 रुपये के आसपास में। वहीं जो नया वेरिएंट है 8GB के साथ 128GB का स्टोरेज, वो 12000 रुपये के आसपास में है। फीदर ब्लैक और फीदर गोल्ड कलर के ऑप्शंस में आपको ये नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको सारी चीज़ें सामने हैं। तो ये इसमें मई में लॉन्च किया गया था ये स्मार्टफोन को और इस वक्त में स्टोरेज के ऑप्शंस काफ़ी नहीं थे, लेकिन यहाँ फाइनली आप लोगों के सामने 8GB रैम 128GB का वेरिएंट वाला आपके सामने है जो कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो तक के लिए, वीडियो को पसंद आ जाए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।